सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला आणि या निर्णयाचे पडसाद गेल्या 8 दिवसांमध्ये आपल्याला बघायला मिळत आहेत. पण या निर्णयावरून आता अनेकांनी सरकारवर प्रश्नसुद्धा उपस्थित केले आहेत, सरकारला प्रश्न विचारलेले आहेत. हा निर्णय घेताना सारासार विचार केला गेला नव्हता का? हा त्यातला एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा होता. आज योगेंद्र यादव यांनीसुद्धा सरकारवर टीका केलेली आहे. सहारा आणि बिर्ला यांच्याकडून घेतलेल्या पैशांचं प्रकरण समोर येईल या भीतीनं लक्ष वळवण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे असा खळबळजनक आरोप योगेंद्र यादव यांनी केला आहे. सहारा आणि बिर्ला यांनी कोणाकोणाला पैसे दिले याची चौकशी करण्याची मागणी प्रशांत भूषण यांनी 25 तारखेला वेगवेगळ्या संस्थांना केलेली आहे. त्यानंतर पुढच्या 12 दिवसात नोटाबंदीचा निर्णय आल्यामुळे यात काहीतरी गडबड आहे असंही योगेंद्र यादव यांनी म्हटलं आहे. या संदर्भात त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे नॅशनल ब्युरो चीफ अमेय दिरोडकर यांनी. बिर्ला आणि सहारा या दोन मोठ्या कॉर्पोरेट उद्योगांवर ज्यावेळेला धाडी मारल्या गेल्या त्यावेळेला त्यांच्याकडून काही कागद समोर आले. या कागदांमध्ये गुजरात CM मध्य प्रदेश CM यांना काही पैसे दिलेले आहेत अशा प्रकारचे उल्लेख आहेत. आणि इंटरेस्टिंगली हे कागद 2012 ते 2014 या काळातले आहेत. ज्यांनी हा मुद्दा समोर आणला ते स्वराज अभियानाचे प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव. त्यांच्यापैकी योगेंद्र यादव आपल्यासोबत आहेत. ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है. मैं अभी प्रशांत जी से बात नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मैं आपको पूछता हूँ. आज सुबह सुबह मैंने प्रशांत जी का एक ट्वीट देखा. डीमोनेटाइजेशन का जो माहौल बनाया गया वो कहीं ना कहीं ये पेपर सामने आने की चांसेस थे ये देखते हुए शायद बनाया गया हो, इस तरह का उनका एक संकेत देने वाला ट्वीट था. ये क्या है मामला? आप इससे इनकार नहीं कर सकते. ये तो सबको लग रहा है कि मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन की ये जो घोषणा, नोटबंदी की जो घोषणा है, ये थोड़ा हड़बड़ी में की, अचानक की. वो खुद तैयार नहीं थे, बाकी लोगों को पता भी नहीं था. क्यों किया इतना हड़बड़ी में? एक कारण ये हो सकता है कि 25 अक्टूबर को, इससे 12 दिन पहले, प्रशांत भूषण ने एक चिट्ठी लिखी थी. चिट्ठी लिखी थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, ब्लैक मनी के ऊपर जो जजेस की टीम है उसको लिखी थी चिट्ठी. देश के तमाम महत्वपूर्ण लोगों को चिट्ठी लिखी गई थी ये कहते हुए कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिसमें बहुत बड़े लोगों का नाम है. बाद में मीडिया ने डिस्क्लोज किया है कि उसमें प्रधानमंत्री का स्वयं भी नाम आता है. शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुद्दा उठेगा, संसद में उठेगा, पूरे देश में सवाल फैलेगा, तो उससे पहले आप कुछ और शुरू कर दो ताकि ये मामला दब जाए. ये संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते. और शायद उस लिए हड़बड़ी में अचानक इस फैसले को कर दिया गया. 25 अक्टूबर को प्रशांत भूषण चिट्ठी लिखते हैं और 8 तारीख को सरकार ये घोषणा करती है. 16 तारीख को संसद का सत्र शुरू होने वाला था और 8 तारीख तक सरकार को लग रहा था कि अब हमें कुछ इस मामले पर शीघ्र ही करना पड़ेगा. जिन्होंने दावे किए थे 2014 में कि हाँ हम शीशे के घर में नहीं रहे थे, आज उनके घर शीशे के हैं, ये लोगों के सामने आ रहे हैं. जानने वाले पहले दिन से जानते थे, लेकिन हाँ पहले 1.5 साल मोदी जी की सरकार ने कहा हमारे बारे में कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं आया है. और तब हम कहा करते थे भाई किसी भी सरकार के मामले सामने आने में कम से कम 1.5-2 साल तो लगते हैं. और अब धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है. एक नहीं न जाने कितनी चीज़ें सामने आनी शुरू हुई हैं और न जाने कितनी चीज़ें आएंगी. ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लोन माफ़ हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं? काले धन के बारे में बात करना तो सबको आसान लगता है, उस पर काम करना बहुत मुश्किल है और यही हम देख रहे हैं. धन्यवाद. 2014 नंतर अशी पहिल्यांदाच वेळ येते की लोक प्रश्न विचारायला लागलेत आणि ते सुद्धा केंद्र सरकारला भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर. ज्या दिवशी ह्या अहमदाबादमधल्या मोदीजींचं खरं नाव लोकांसमोर येईल त्या दिवशी आजच्यापेक्षा खूप वेगळी परिस्थिती असेल हे नक्की आहे. दिल्लीहून व्हिडिओ जर्नलिस्ट नितीनसोबत अमेय तिरोडकर, महाराष्ट्र.